हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के समान वेतन मामले में जवाब तलब। वार्डन शिक्षिका का नार्को टेस्ट करा सकती है पुलिस। जन प्रतिनिधियों का फोन ना उठाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। कर्ज के दबाव में तैनात अध्यापक ने फंदा लगाकर दे दी जान। यूपी का सबसे बड़ा बजट आ जाएगा, सुबह 11 बजे पेश होगा बजट। एडहाक शिक्षकों को अगले महीने मिल सकती है बड़ी राहत, मानदेय प्रस्ताव पर निर्णय जल्द। शिक्षा मित्र महासम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए मोदी योगी से करेंगे बात। अब बच्चे करेंगे जादुई पिटारा से पढ़ाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने NEP 2020 के तहत बाल वाटिका को किया लॉन्च। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के समान वेतन, कम से कम उनको देय न्यूनतम वेतन भुगतान करने के समादेश जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से 1 माह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने वाराणसी की जितेंद्र कुमार भारती की याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि 2005 से कार्यरत है सहायक अध्यापकों के बराबर काम कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के तहत उन्हें प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन पाने का अधिकार है। ऐसा न करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14, 16, 21, 23 एवं 39 का उल्लंघन है। याचिका की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। लखनऊ BKT स्थित SR ग्लोबल स्कूल में प्रिया राठौर 13 की मौत खुदकुशी थी या किसी ने उसे हॉस्टल के 5वें माले से धक्का देकर मार डाला। यह राज 31 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा सकी। 20 जनवरी को उसकी मौत के बाद कई सवाल उठते रहे। इसका जवाब देने के लिए DCP उत्तरी शेख आसिम आब्दी मंगलवार को मीडिया से आमने सामने रूबरू हुए। DCP ने कहा कि नाट्य रूपांतरण की रिपोर्ट में इस हादसा मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही इस बिंदु पर जांच की जाने लगी है कि यह हत्या है या खुदकुशी। अब तक की पड़ताल में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे किसी को प्रिया की मौत हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सका। अभी विवेचना चल रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हॉस्टल वार्डन और रूम टीचर का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। हादसे से कुछ देर पहले मां ने डांटा था। DCP कासिम ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर पड़ताल की गई। हादसे से पहले प्रिया ने मां से बात की थी, उन्होंने उसे चैट करने और कुछ अन्य बात पर डांटा था। वह उस दिन खाना भी नहीं खा रही थी। प्रिया की मां ने साथ रहने वाली शिक्षिका मोनिका से बात भी की थी, इसके बाद वह खाना खाने मिस गई थी। कॉल डिटेल से भी प्रिया और उसकी मां के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है। वार्डन शिक्षिका के बयान। DCP ने बताया कि हॉस्टल वार्डन साधना सिंह, सहायक शिक्षिका मोनिका दीक्षित और प्रिया के साथ रहने वाली लड़कियों और गार्ड मेस कर्मचारियों के बयान लिए गए। पुलिस टीम ने जालौन जाकर प्रिया की मां के बयान लिए। प्रिया की मां और पिता हत्या का आरोप लगाते रहे। वार्डन शिक्षिका के बयान। DCP ने बताया कि हॉस्टल वार्डन साधना सिंह, सहायक शिक्षिका मोनिका दीक्षित और प्रिया के साथ रहने वाली लड़कियों और गार्ड मेस कर्मचारियों के बयान लिए गए। दोस्तों से भी की गई पूछताछ। पुलिस ने कहा कि प्रिया ने सोशल मीडिया पर जिन दोस्तों से चैट किए थे उनके भी बयान लिए गए। उसे कपड़े व घटना से जुड़े अन्य चीज़ों को फॉरेंसिक जांच कराई गई है। प्रिया के पिता जसराम का मोबाइल 1 दिन पहले कब्जे में ले लिया गया। कर्ज के दबाव में तैनात अध्यापक ने फंदा लगाकर दे दी जान। 16 लाख रुपये लिया था कर्ज। आगरा के पिनाहट में तैनात था कासगंज का निवासी शिक्षक। कासगंज शहर के आवास विकास कॉलोनी में सोमवार शाम को कर्ज में डूबे परसदी स्कूल के शिक्षक भरत सिंह 45 ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी रेखा ने बताया कि पति ने 16 लाख रुपए कर्ज लिया था जिसका 50,000 रुपए ब्याज जा रहा था। इससे वह मानसिक तनाव में थे। पत्नी रेखा ने सबसे पहले शाम 5:45 भरत सिंह का शव फंदे पर लटके देखा। आसपास के लोगों ने फंदे से शिक्षक को जब तक उतारा तब तक जान जा चुकी थी। शिक्षक ने 2 साल पहले अपना तबादला आगरा करा लिया था। भरोसा दिया था पिनाहाट में प्राथमिक विद्यालय नए आवास में तैनाती थी। पत्नी आवास विकास कॉलोनी में रह रही थी। बेटा हिमांशु कोटा में नीट की तैयारी और पुत्री डाली इंटर की परीक्षा दे रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप गिरी ने बताया कि शिक्षक की आत्महत्या के पीछे प्रथम दृष्टया गृह क्लेश का मामला सामने आया है। कर्ज उतारने के लिए मकान का किया था सौदा। कर्ज के बोझ से दबे शिक्षक भरत सिंह कर्ज को उतारने के लिए अपना मकान बेचना चाहता था। इसके लिए उन्होंने मकान के बाहर दीवार पर यह मकान बिका हुआ है लिख रखा था। बताया गया कि शिक्षक ने अपने इस मकान का सौदा भी कर दिया था और इस सौदा पर क्रेता ने 1 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया था। बाकी राशि बैनामा कराने के समय देने का क्रेता ने भरोसा दिया था। प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट से प्रदेश के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बुधवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार का करीब 7 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। 2 लक्ष्य बजट में बुनियादी ढांचे की विकास, युवा व रोजगार, महिलाओं और किसानों पर अधिक फोकस
रहने की उम्मीद की जा रही है। विकास कार्यों के लिए पूंजी मद में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के इस बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार दो बड़े लक्ष्यों को भेजने की कोशिश में है। पहला 2024 के आम चुनाव और दूसरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की तरफ ले जाने का प्रयास सर्वस्पर्शी होगा। राज्य के इस बजट में केंद्रीय बजट की झलक दिखेगी। मुख्यमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर औद्योगिक क्षेत्रों, सड़कों का निर्माण, एक्सप्रेसवे, युवाओं से जुड़ी योजनाओं खासकर रोजगार व अप्रेंटिसशिप योजना, बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन स्थलों का विकास, महिला सुरक्षा, किसान, गांव गरीब पर खास तवज्जो की उम्मीद है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज के लिए पर्यटन विकास की योजनाएं भी दिखेंगी। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट के सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास का ताना बाना यूपी के बजट में भी देखने को मिल सकता है। रोजगार की योजनाओं को बढ़ावा, निःशुल्क टैबलेट लैपटॉप वितरण, नवाचार को बढ़ावा देना, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण, कौशल विकास मिशन को अधिक धनराशि दिए जाने की चर्चा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को और गति दी जा सकती है। सुबह 11 बजे पेश होगा बजट। बजट से प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नए पंख लगेंगे। बुंदेलखंड में पर्यटन विकास को लेकर खास फोकस रहेगा। नैमिसारण तीर्थ के विकास पर जोर। बुंदेलखंड निजी स्कूलों में पढ़ने वाली दो बहनों में से एक की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा भी कर सकती है सरकार। विभागीय बुनियादी ढांचे पर रहेगा जोर। सरकार का फोकस राज्यों में उद्योगों की स्थापना के लिए जहां जरूरत है वहां पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने पर भी होगा। इसके लिए विभागीय बजट से ही इन कामों को प्राथमिकता से कराने की पहल बजट में दिखेगी। PWD, औद्योगिक विकास, नगर विकास, ऊर्जा, जल शक्ति जैसे विभागों को विकास मद में अधिक धनराशि आवंटित की चर्चाएं हैं। सरकार गांव, गरीब, किसान व महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अधिक धनराशि दे सकती है। सरकार इस बार पूंजीगत व्यय विकास कार्यों के मद में अधिक धनराशि दे सकती है। एडेड इंटर कॉलेजों के तदर्थ एडहॉक शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जल्द ही तदर्थ शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में उम्मीद बढ़ी है। मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियत मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तों मसलन सामान्य शिक्षकों की भात सुविधाएं नहीं दी जाएंगे और न ही ये नियमित शिक्षकों के समकक्ष माने जाएंगे आदि के साथ मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजेगा। विदित हो के एडेड इंटर कॉलेजों में TGT और PGT परीक्षा के जरिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती करता है। कई बार भर्तियों में विलंब होने या किसी वजह से भर्तियों में देर होने की वजह से खाली पदों पर प्रबंधन अपने स्तर से भर्तियां कर लेता है। ऐसे तदर्थ शिक्षक समय समय पर भर्ती होते रहे सामान्य शिक्षक की तरह इनका वेतन भी मिलने लगता है। बाद में इन भर्तियों पर विवाद होता है और कोर्ट में मामला पहुंच जाता है। विवाद बढ़ने की दशा में सरकार ने रास्ता निकालते हुए ऐसे शिक्षकों को नियमित भी किया गया, उनका तब से वेतन मिल रहा है। वेतन को लेकर होता रहा है विवाद। नियमितीकरण की तारीख के बाद भी विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती करते रहे हैं। ऐसे ही कई शिक्षक वेतन के लिए बाद में कोर्ट पहुंचते रहे हैं। इसमें हाईकोर्ट ने समय समय पर अलग अलग फैसले दिए। उसके बाद करीब 2 साल पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ आवाज को खत्म करने के आदेश दिए। यही वजह है कि कई जिलों में DIOS ने तथा शिक्षकों को वेतन रोक दिए। वेतन रोके जाने का मुद्दा पिछले दिनों विधान परिषद में उठा था और शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों ने सोमवार को यहाँ रमाबाई अम्बेडकर मैदान में महासम्मेलन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठन एक मंच पर जुटे और सरकार से सुरक्षित भविष्य की मांग की। वहीं सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र व राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रियों से बात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी 3 बार इसी मैदान में फिर से एकत्र होना है। राज्य मंत्री ने कहा कुछ लोगों के बहकावे में आकर कई शिक्षा मित्रों ने पूर्व में हुए चुनाव में भाजपा का विरोध किया था। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया। शिक्षा मित्र भाजपा सरकार का सहयोग करे, पार्टी और सरकार उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार की गलत नीति की वजह से शिक्षा मित्रों का यह हाल हुआ है। अगर तत्कालीन सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक घोषित करने के बजाय उनके शिक्षकों को बेहतर सम्मान कर देती तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती। वहीं MLC संजय निषाद ने कहा कि सरकार के साथ रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सम्मेलन में MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश अध्यक्ष सुकुमार शुक्ला, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, दूरस्थ BTC शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव मौजूद रहे। वहीं संतोष कुमार मिश्र, सैयद जावेद, सुमन यादव, रीना सिंह, अवनी सिंह समेत हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिक्षा मित्रों और सरकार में समन्वय की शुरुआत। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिक्षा मित्रों और सरकार ने एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने की शुरुआत कर दी है। शिक्षा मित्रों को मानदेय में बढ़ोतरी और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार का सकारात्मक रुख चाहिए। वहीं सरकार को चुनाव में प्रदेश भर की करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का समर्थन। इसके मद्देनजर पहले शिक्षा मित्रों को संगठन एक मंच पर आए। इसके तहत ही शिक्षा मित्रों ने सोमवार को सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री व मोहनलालगंज के
सांसद कौशल किशोर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। शिक्षा मित्रों ने उनके मार्मिक अपील की तो मंत्री ने पीएम और सीएम के पंच प्रण को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों को आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को समर्थन करने का संकल्प दिलाया। इन पंच प्रणों में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश, शिक्षित उत्तर प्रदेश शामिल हैं। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे ने बताया कि संगठन की केंद्रीय राज्य मंत्री से वार्ता के बाद महासम्मेलन के माध्यम से शिक्षा मित्रों के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। महासम्मेलन में उठी ये मांगे, नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर पुनः समायोजित या नियमित किया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों को अहेतुक सहायता प्रदान करते हुए परिवार के आश्रित को जीविकोपार्जन के लिए नियुक्ति प्रदान की जाए। टीटी पास शिक्षा मित्रों को नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। मूल विद्यालय में वापसी से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए मूल विद्यालय में वापस किया जाए। महिला शिक्षा मित्रों को विवाद के बाद उनके ससुराल के जिले के विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। जादुई पिटारा तैयार करने वाली एनसीईआरटी टीम के सदस्य प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने बताया, इसे प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, कठपुतलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट, एनिमेशन, आकर्षक किताबों के साथ साथ स्थानीय संस्कृत सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बालवाटिका 1, 2 व 3 और पहली व दूसरी कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार जादुई पिटारा नामक पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस उम्र के बच्चे खेल खेल में अधिक सीखते हैं, इसलिए उन्हें किताबों के बोझ से निजात दिलाने देने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP 2020 की सिफारिशों के तहत तैयार यह जादुई पिटारा खेल चित्रकला, नृत्य व संगीत के माध्यम से शिक्षा से जोड़ेगा। बालवाटिका 1, बालवाटिका 2, बालवाटिका 3 तक के बच्चों को कोई स्कूल बैग नहीं होगा, जबकि पहली व दूसरी कक्षा के छात्रों को भी किताबों के भारी भरकम बोझ से निजात मिलेगी। इन सभी कक्षाओं के छात्रों को 13 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई का मौका मिलेगा। दिल्ली स्थित अम्बेडकर भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखा और राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की उपस्थिति में बुनियादी चरण के लिए शिक्षण अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार इस जादुई पिटारा में 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल, चित्रकला, नृत्य, संगीत पर आधारित शिक्षा की रूपरेखा तैयार की गई है। जादुई पिटारा की खासियत, जादुई पिटारा तैयार करने वाली एनसीईआरटी की टीम सदस्य प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने बताया कि इसे प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, कठपुतलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट, एनिमेशन, आकर्षक किताबों के साथ साथ स्थानीय संस्कृत सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के तहत विकसित जादुई पिटारा 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह सीखने सिखाने के माहौल को समृद्ध करने, बाल केंद्रित, जीवंत और आनंदमय बनाने की दिशा में कारगर होगा। शिक्षकों को भी मिलेगा प्रशिक्षण। बच्चों के लिए बुनियादी स्तर का पाठ्यक्रम बनाने के साथ ही एनसीईआरटी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी अध्ययन सामग्री तैयार की है। इसके जरिए शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उन्हें इसके तहत बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।